एकम सनातन भारत दल के महासचिव अजय सैनी जी मेरे साथ है। सर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लोकसभा इलेक्शन को लेकर आप आज कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कैंपेनिंग हमारी पिछले एक महीने से हुई शुरुआत हुई है। हम बताना चाहेंगे कि इसमें हम जो हमारा जम्मू सिटी है, ये हमारा जम्मू सांबा रियासी डिस्ट्रिक्ट हो, उनको हम सभी को कवर कर रहे हैं। मोस्टली हम मार्केट्स में जाके जो खासकर हमारा व्यापारी वर्ग है जो इस वक्त मतलब प्रताड़ित हो रहा है या हरास हो रहा है, जो इनकी नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं जो इनके फेवर में नहीं है, जिस तरह हमारा बिज़नेस ख़त्म हो रहा है, तो यहां पर हमारी जो कैंपेन चल रही है वो लोगों का एक तरफ से हम सजेशन ले रहे हैं कि आखिर लोगों की क्या डिमांड्स है, लोग क्या चाहते हैं। तो जिस तरह हम हमेशा बोलते रहे हैं, हमारे जम्मू की एक आवाज़ रही है कि जम्मू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जम्मू कहता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो माननीय अंकुर शर्मा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एकम सनातन भारत के, वो लोगों के लिए, खासकर हमारे जम्मू संभाग के लिए एक ऑप्शन लेकर आए हैं जिसका नाम एकम सनातन भारत है। हमारे जम्मू का एक प्रथा रही है कि हमेशा जम्मू को इग्नोर ही किया गया है, कश्मीर को प्रायोरिटी पे रखते हुए जम्मू के इश्यूज़ को हमेशा इग्नोर करते हुए, हमारे युवाओं की बात हो, हमारे बूढ़ों की बात हो, हमारे डेवलपमेंट की बात हो, हमारे टूरिज़्म की बात हो, हमारे डेली वेजर्स की बात हो, आशा वर्कर्स की बात हो, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में बड़ा फेल होना उसकी बात हो, फायर एंड एमरजेंसी में हमारे बच्चों को दरबदर कर देना उनकी बात हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ करप्शन और सिर्फ जम्मू के लोगों को लूटने का काम। साथ ही साथ अगर आ जाएं तो टैक्स के नाम पर जम्मू को लूटा गया, हम पे टैक्स थोपे गए। क्या प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए जो आने वाले हैं, आने वाले समय में वाटर मीटर टैक्स की बात की जाए, हमारे स्मार्ट मीटर्स की बात की जाए, लोगों पर ज़बरदस्ती थोपे गए। एडमिनिस्ट्रेशन को लाके बीच में कहा गया कि तहसीलदार को भेज के लोगों को इम्प्लीमेंट करवाइए स्मार्ट मीटर्स, और उसके साथ साथ जितने भी टैक्स हैं हमें, जिस तरह महंगाई की बात हो, तो कभी भी ये लोग जो हमारे नुमाइंदे थे, जो जुगल किशोर जी की बात कर लें, वो कभी भी लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, कभी भी लोगों के साथ स्टैंड नहीं लिया कि ये लोगों ने मुझे जिताया है, यही लोग मुझे पार्लियामेंट में लेकर गए हैं, तो आज मुझे इनके बुरे दिनों में जब इन पर टैक्स थोपे जा रहे हैं, आमदनी अठन्नी और खर्चा हमारा रुपये से ऊपर हो रहा है, उसमें मुझे इन लोगों के साथ खड़े होना है। तो तब लोगों ने यह निश्चय किया, निर्णय लिया कि अब हमें बदलाव चाहिए, अब हमें विकल्प चाहिए। एकम सनातन भारत दल के जो प्रेसिडेंट है अंकुश शर्मा जी, उनके बारे में क्या कहना है, किस तरह की वो मेहनत है जो इस टाइम वो देखने को भी मिल रही है, जिस तरीके से वो बढ़ चढ़ के आगे हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, अंकुश शर्मा जी का एक जो डिलीवरी का रिकॉर्ड रहा हुआ है, वो हमारे जम्मू के नेता हैं और ऐसे शेर नेता हैं जो अपनी आप को कभी भी पॉलिटिकली करेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। आज के नेता जो हैं हमेशा बैलेंस करके चलते हैं। आज के नेता जो हैं अगर समस्या जो है उसको कभी भी उसके सही नाम से नहीं पुकारते हैं, इसीलिए लोग उनसे खफा हैं। अंकुर शर्मा जी जो समस्या उसको समस्या को नाम से पुकारते हैं। अंकुर शर्मा जी जो आज जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे खुलकर बोलते हैं। आज कौन सा नेता है जो आज खुल के जम्मू के लिए खड़ा हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने भाषणों में बोलते होंगे, मगर अंकुर शर्मा जी ने कोर्ट के माध्यम से, क्या माइनॉरिटी राइट्स की बात हो जिसमें हमारे जो अल्पसंख्यक थे उनको आज तक उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था, उसे जीतकर, सुप्रीम कोर्ट से जीतकर सेक्टर को 35,000 रुपये का फाइन दिलवाकर और 15,000 का जो उस वक्त की मौजूदा सरकार थी पीडीपी बीजेपी सरकार, उनको दिखा दिया कि हम जम्मू की बात करते हैं, उस पर डिलीवरी भी देते हैं। सर जुगल किशोर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके की टिप्पणियाँ सुनने को मिल रही है? देखिए, जुगल किशोर जी के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जुगल किशोर जी को खुद ही यहाँ पर रुक जाना चाहिए और उन्हें इलेक्शन लड़नी ही नहीं चाहिए थी। उन्हें कम से कम ग्राउंड पर जाकर या अपने वर्कर्स को बोलकर ये कह देना चाहिए था कि ग्राउंड की सिचुएशन, ये रिपोर्ट पता करनी चाहिए कि आखिर ग्राउंड में लोगों का क्या कहना है। लोगों की एंटी इनकम्पेंसी इतनी है बीजेपी के खिलाफ, खासकर इन दो कैंडिडेट्स के खिलाफ, कि यहाँ व्यापार जितना मंडल है, जितनी रघुनाथ मार्केट है या कनक मंडी है, हम जहाँ जहाँ होकर आए हैं सारे लोग इनके खिलाफ हैं, क्योंकि इनकी नीतियाँ कभी भी हमारे फेवर में नहीं रही हैं। इनकी नीतियाँ एंटी जम्मू, एंटी डोगरा रही हैं, तो लोग किस तरह से इन्हें एक्सेप्ट करें? और जुगल किशोर जी जिस तरह के बयान देते हैं पार्लियामेंट में, वो कहते हैं कि हमने जो बंद तालाब से बामने बड़ी तक है वहाँ मेट्रो चल रही है, लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं, और हम आने वाले समय में जिस तरह यहाँ विजयपुर में वहाँ पर हमारा हॉस्पिटल बन रहा है एम्स, तो हम चाहते हैं कि उसे वहाँ से वहाँ पहुँचाया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ हमारे जुगल किशोर शर्मा जी से, आज तक कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी हमारी जनता है जो आज तक बड़ी ब्राह्मणा तक उस मेट्रो में सफर करके आई है? कौन सी अंडरग्राउंड मेट्रो आप चला रहे हैं? इस तरह के वक्तव्य जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर देते हैं तो लोगों का एक हास्य बनता है, हमारे जम्मू के डोगरा समाज का एक मजाक बनता है कि ऐसे कैसे नेता हैं, इनको कैसे लोगों ने चुना हुआ है जो पार्लियामेंट में जाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि कैसे अनपढ़ नेता है। ऐसे अनपढ़ नेता को बाहर रखकर हम एक पढ़े लिखे नेता को, जो
चीज़ों की समझ रखते हों, जो फैक्ट्स पर बात करते हों, जो जम्मू के लिए डिलीवरी दे चुके हों, जो जम्मू के नेता हों और जम्मू को समझते हों, उनकी बात रखते हों, ऐसे लोगों को हमें जिताना चाहिए और हमें ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में ले जाकर जो हमने अपना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या हाई कोर्ट के माध्यम से जो हमारी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे थे, जिस तरह रोशनी की बात की जाए या माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाए, उन्हें हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं किससे, अगर हम अंकुर शर्मा जी को पार्लियामेंट में लेकर आएँ। इसीलिए अंकुर शर्मा जी का पार्लियामेंट में आना ज़रूरी है अगर हमें जम्मू का अस्तित्व बचाना है, आने वाली जनरेशन को यहाँ पर कम से कम रहने के लिए ज़मीन मिल सके, आने वाली जनरेशन को यहाँ नौकरियाँ मिल सकें, कहीं टूरिज़्म हमारा भी इम्प्रूव हो सके ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिल सके, कहीं आशा वर्कर्स मतलब कि रेगुलराइज हो सकें, डेली वेजेस रेगुलराइज हो सकें। इसके लिए अगर हमें अंकुर शर्मा जी को लाएंगे तो ही ये सब चीज़ें हो पाएंगी, अन्यथा इन सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। मेरी पूरी प्रार्थना रहेगी, लोगों से आह्वान रहेगा जम्मू की जनता से कि इस सनातन पार्टी को, जिसको भगवान की कृपा से जो हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो भी बांसुरी है, इस बांसुरी पर मुहर लगाकर अंकुर शर्मा जी को कामयाब बनाकर जम्मू को जीत दिलाएं, अन्यथा जम्मू की हार होना निश्चित है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, इलेक्शन कहां कहां से लड़ रहे हैं आप और किस तरह की तैयारियां जो है इस वक्त की जा रही है? देखिए फिलहाल हम दो सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्वयं अंकुर शर्मा जी जम्मू सांबा रियासी से लड़ रहे हैं और जो रजौरी वाली सीट है उसको हम कुछ ही देर में अनाउंस करेंगे, और 1 तारीख को शर्मा जी हमारे नॉमिनेशन भी भरने जा रहे हैं, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हमारी ये जो डोर टू डोर कैंपेन है इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि लोगों का जिस तरह से हमें रिएक्शन मिल रहा है, जो उनकी सजेशन मिल रही है, तो लोग पूरी तरह से इस पर तैयारी में है कि एक बदलाव होना चाहिए फॉर अ चेंज। ये सभी लोग हमारे साथ हैं और पूरा जम्मू मिलकर इस बार उनको जिताएगा जो जम्मू की बात करते रहे हैं, पूरा जम्मू उन्हें जिताएगा जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने की बात करते रहे, ना कि उन्हें जिताएगा जिन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया था। बात काट रही हूँ आपकी, अभी तक आपने देखा कितनी ज्यादा बेरोजगारी जो है वो चलती आ रही है, क्या आपको लगता है जिस तरीके से हर एक कंपेनिंग कर रहा है तो क्या सीट लेने के बाद भी वो उसी तरीके से जोर-शोर से काम करेंगे? आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह हर कोई पार्टी आती है, वादे करती है और बाद में उस पर खरा नहीं उतरती, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये एक सनातन पार्टी है, हमने सनातन के कार्यों को पूर्ण करने के लिए जो निर्णय लिया है हम उसे आखिरी समय तक लेकर जाएंगे और पूर्ण करेंगे। कारण ये है कि हमने उन लोगों को अपनी पार्टी में रखा ही नहीं है जो सनातन प्रेमी नहीं है, हमने जो लोग आज देश के खोखला करने का काम कर रहे हैं या किसी तरीके से देश के विरोधी हैं हमने उन्हें पार्टी में रखा ही नहीं, ये सनातनियों की पार्टी है। और अगर आप प्रैक्टिकल बात कर लें, जिन सनातनियों के इश्यूज हमने उठाए हैं या जिन सनातनियों को लेकर आगे हम इलेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम उनके काम नहीं करेंगे तो किसी ना तरीके से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऐसा नेता वो कभी नहीं चाहेगा कि हमें हार हो, तो अगर हम सिर्फ सनातन को बेस लेकर आगे अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं तो हमें सनातन के कार्य तो करने ही करने हैं। किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए हम इस वक्त बेरोजगारी को लेकर, जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है उसको लेकर, जम्मू की सीटें जो कम हैं और कश्मीर की ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन, जो पैरामीटर कहते हैं कि जिनका एरिया ज़्यादा है, जिस संभाग का या जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर सीटें अधिक होनी चाहिए और कश्मीर की सीटें अधिक हैं, हालांकि उनका एरिया कम है पॉपुलेशन कम है। हम उन चीज़ों को लेकर आधार बना रहे हैं कि जम्मू में जो पॉलिटिकल जो पावर है जो वो शिफ्ट होनी चाहिए जम्मू में, यहाँ का जम्मू का सीएम आना चाहिए, और वो तभी आ सकता है जब डिलिमिटेशन फर्स्ट सेंसिस पर ना होकर अच्छे सेंसिस पर होती, 2021 के सेंसिस होती, पर बीजेपी ने जो सेंसिस थे वो 2011 के इस्तेमाल किए झूठे, जिससे आज भी 47 सीटें कश्मीर को हैं और जम्मू का 43 हैं, इसलिए जम्मू का कभी सीएम नहीं आ सकता। हम जम्मू सेपरेट स्टेट को लेकर आगे आए हैं कि हम जम्मू सेपरेट करेंगे ताकि यहाँ पर जम्मू की अलग सरकार हो, यहाँ सनातनी सरकार हो, यहाँ अंकुर शर्मा जी की पार्टी की सरकार हो जो यहाँ सनातनियों के लिए काम कर सके इन मुद्दों को लेकर। और जिस तरह से आज हमारे जो इम्प्लॉयज, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे युवा जिस तरह बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे युवा जिस तरह आज नशे की तरफ जा रहे हैं, हमारे युवा जिस तरह दरबदर हो रहे हैं, हमारे युवा जिस तरह आज कोई काम धंधा नहीं है, उनको लेकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उनको कामयाब बनाएंगे। अपने जम्मू को मजबूत करने हेतु, सनातन के सशक्तिकरण हेतु हम इस बार चुनाव में उतरे हैं, और अपने मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने हेतु हम चुनाव में उतरे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने हेतु हम चुनाव में उतरे हैं। आज तक भी जानीपुर के मसले में जो हुआ था, गौ वंश की हत्या हुई थी, आज तक हम फॉलो अप लेते आ रहे हैं, पर आज तक वो लोग नहीं पकड़े गए, दूसरे लोग पकड़े जा रहे हैं जिनका कोई बीच में रोल नहीं है, पर आज भी वो शख्स नहीं पकड़े गए जिन्होंने उस गौ वंश की हत्या की गई थी। हम उसके खिलाफ लड़ने आ रहे हैं कि गौ वंश की हत्या पर, गौ हत्या पर कानून बने, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ताकि कोई भी जो एक राष्ट्र
राष्ट्रपति के लिए जो कानून लागू होते हैं, जो राष्ट्रपति के लिए जो कानून लिखे जाते हैं, वही एक गौ माता के लिए हैं, ताकि कोई उस गौ माता के पास भी फटक ना सके और उस गौ माता की हत्या होना तो बहुत दूर की बात होगी, छू भी ना सके। हम उन मुद्दों को लेकर, क्योंकि जो गौ माता है वो सनातन का आधार है, अगर गौ माता की हत्या होने लग जाएगी तो सनातन तो खत्म होगा, इसलिए हमारी सब चीज़ें बाद में, हमारी प्रायोरिटी यही है कि गौ माता बचे तब हम सनातन बचेंगे, तभी हमारी पार्टी बचेगी। धर्म है तो पार्टी ही है, अगर धर्म नहीं तो पार्टी किस नाम की। सर, अंत में मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा, जो आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी आवाज़ों को लेकर सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोगों को एक बदलाव की ज़रूरत थी, लोगों का कहना था कि एक विकल्प लेकर आइए। अब हमने प्रयास करके, अंकुर शर्मा जी ने, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने प्रयास करके इतनी मेहनत से ये पार्टी बनाई है। इस पार्टी में बहुत बड़ी समस्याएं आई, बहुत हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें हमें रोकने की भी कोशिश की गई, मगर फिर भी हमने अंतर्गत ये पार्टी बनाई जिसका नाम एकम सनातन भारत है। और अंकुर शर्मा जी अब लोगों के लिए विकल्प लेकर आए हैं, अब लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसे फेस को सामने लेकर आए जो आने वाले समय में हमारे युवाओं को बेरोजगार होते हुए ना देखे। ऐसे युवा को सामने लेकर आए अंकुर शर्मा जी को, जो आने वाले समय में यहाँ जितने भी व्यापारी हैं, जो आज जिनके काम नहीं है, उनको अपलिफ्ट कर सकें। ऐसे नेता को लेकर आए जो हमारा टूरिज्म को इम्प्रूव कर सके और जम्मू के लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसे नेता को लेकर आए जो जम्मू को अलग स्टेट बनाए और जम्मू अलग स्टेट बनकर यहाँ हमारे जम्मू का सीएम बने। ऐसे नेता को लेकर आए जो जम्मू की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू की तरक्की के लिए, हमारे डुग्गर समाज, हमारे डोगरा लोगों के लिए, जो बड़े भोले वाले खंड मीठे लोग डोगरे हैं, इनकी भी कोई सुनवाई कर सके, इनको भी कोई अपलिफ्ट करे, इंपावर करे। अन्यथा हमेशा डोगरों को दबाया गया, कश्मीरियों द्वारा दबाया गया और दिल्ली की सरकारों द्वारा दबाया गया, कभी भी इन्हें ऊपर नहीं लिया गया। इस चीज़ को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे और यही हमारा पूरी जनता को मैसेज रहेगा कि आपके पास एक विकल्प है एक चेंज के लिए, तो आप उस विकल्प को चुने, अंकुर शर्मा जी को चुने, बांसुरी पर मुहर लगा के 26 तारीख को, अप्रैल 26, सांबा जम्मू रियासी के लोगों से मैं गुहार करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि 26 तारीख को भगवान कृष्ण की बांसुरी पर मोहर लगाकर अंकुर शर्मा जी को कामयाब कर पार्लियामेंट में भेजकर, तो एक जम्मू की आवाज़ आप सुनेंगे जो गर्ज कर जम्मू की बात करेगी, जम्मू के डोगरों का इतिहास बताएगी, जम्मू के डोगरा जो कल्चर है उसे रिच करेगी और जम्मू के लोगों को इम्पावर करेगी। शुक्रिया सर। एकम सनातन भारत दल के अध्यक्ष अजय सैनी जी का क्या कहना है, वो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से सुन ही चुके हैं, और अंकुश शर्मा जी किस तरह का काम कर रहे हैं वो भी आपके सामने ही है, तो आपकी क्या राय है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलूंगी एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। नमस्कार।